بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته मशीन पर तशरीफ फरमा मौलाना लईख अहमद साहब शनसीन तशरीफ फरमा मुफ्ती नानपारा के पोते मौलाना आरिफ रजा साहब हजरत मौलाना रफीक साहब हजरत मौलाना अमानतुल्ला साहब हाशमी हजरत मौलाना इलियास साहब उत्तर प्रदेश के मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सूबाई सदर मोहतरम जनाब शौकत साहब और जनाब मोहम्मद आफाक खान साहब सिराजुल हक साहब डॉक्टर काशिफ अंसारी साहब सरफराज साहब मोहम्मद अरशद खान साहब मौजूद हाजरीन इकराम बुजुर्गान मिल्लत मेरे नौजवान साथियों मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि आप इतनी बड़ी तादाद में आज इस जलसे में शिरकत करने आए हैं और मुझे यकीन है कि आप लोगों का यहां पर हजारों की तादाद में जमा होना इस बात का पैगाम देता है कि इंशाअल्लाह ताला अब की बार आइंदा जब 2022 में नानपारा के विधानसभा के चुनाव होंगे यहां से इंशाअल्लाह ताला आपकी मोहब्बत आपकी दुआओं और ओप की वजह से यहां से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का उम्मीदवार जरूर कामयाब और कामरान होगा। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों अभी हमने जनाब शौकत साहब और मौलाना लईख अहमद साहब की तकरीर को सुना, मुझे थोड़ा ताज्जुब भी हुआ और थोड़ी तकलीफ भी हुई कि यहाँ के मुकामी प्रशासन एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से रुकावटें पैदा की गई मजलिस के जलसे को रोकने के लिए। खैर उस उनवान पर हम जरूर बात करेंगे। शौकत साहब ने मुख्तसर सी बातें की हैं, मैं तफसील से उसका खुलासा भी कर दूंगा, मगर उन पर आने से पहले मैं ये जरूरी समझता हूं कि उत्तर प्रदेश में जो बीजेपी की सरकार है, पिछले 4.5 साल से उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, बड़े बड़े दावे करते हैं जो सच्चाई पर मबनी नहीं है, मबनी नहीं है कि हमने उत्तर प्रदेश में सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास किया। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मैं बीजेपी की सरकार से पूछना चाहता हूं, क्या ये बात सच नहीं है कि जब कोरोना की दूसरी लहर आई मार्च से लेकर जुलाई तक उत्तर प्रदेश में लोग ऑक्सीजन के लिए तड़प रहे थे तो योगी आदित्यनाथ की सरकार ऑक्सीजन फराहम करने में नाकाम साबित हुई। उत्तर प्रदेश में लोग कोरोना से मर रहे थे तो अस्पताल में डॉक्टर्स मौजूद नहीं थे और डॉक्टर्स नहीं मौजूद होने की एक अहम वजह यह थी कि योगी आदित्यनाथ की सरकार ने डॉक्टर के वो जो सैंक्शन पोस्ट थे उनको और उनके ऊपर डॉक्टर का तकर्रुर नहीं किया। क्या ये बात सच नहीं है कि उत्तर प्रदेश में कोरोना की दूसरी लहर में कम से कम 1 लाख से ज्यादा लोगों की मौतें हुई हैं? क्या बीजेपी की सरकार ये नहीं जानती कि पानी के ऊपर तालाब
में कभी गंगा के पानी के ऊपर गरीब उत्तर प्रदेश आवाम की लाशें तीर रही थी, और वो लाशें इसलिए तीर रही थी कि बहसियत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक नाकाम चीफ मिनिस्टर साबित हुए, उत्तर प्रदेश के गरीब आवाम की जान को नहीं बचा सके, इसीलिए लाशें पानी पर तीर रही थी। लोगों को, आवाम को, जनता को अंतिम संस्कार करने के लिए लकड़ियां नहीं मिली तो उन्होंने या तो पानी में छोड़ दिया अपने वालिद की, अपनी माँ की, अपने रिश्तेदार की लाश को, या अगर जमीन नहीं मिली दफनाने के लिए तो नदी के किनारे लाशों को दफना दिया गया। बताओ उत्तर प्रदेश की बीजेपी की सरकार, क्या ये सच नहीं है कि दुनिया ने देखा और हमारी आंखों ने भी देखा कि कैसे नदी के किनारे कुत्ते किसी के बाप की, किसी की मां की लाश को लोच लोच कर खा रहे थे? क्या ये विकास है आपका कि जिसको दफनाने के लिए जमीन नहीं मिली, जिसको जलाने के लिए लकड़ी नहीं मिली, जिसको अस्पताल में ऑक्सीजन नहीं मिला, जिसकी जान बचाने के लिए दवाएं नहीं मिली, डॉक्टर नहीं मिला, और आज आप बड़े बड़े झूठे दावे कर रहे हैं विकास के? ये कौन सा विकास है आपका, बताइए आप। और अफसोस तो इस बात का है कि हमारे प्रधानमंत्री जो अमेरिका के दौरे पर गए और उनको इस बात की बड़ी नाराजगी है प्रधानमंत्री को, कि हमको भी नाराजगी है कि हमारे देश का प्रधानमंत्री जब अमेरिका के सदर के घर व्हाइट हाउस पर गया तो प्रधानमंत्री जब गाड़ी से उतरे तो वहां पर जो बाइडेन नजर नहीं आए, जो बाइडेन नरेंद्र मोदी जी का इस्तकबाल करने नहीं ठहरा था फूल का गुलदस्ता लेकर, बल्कि जो बाइडेन अंदर कमरे में बैठे थे, हमारे प्रधानमंत्री को अंदर जाकर जो बाइडेन को मिलना पड़ा। प्रधानमंत्री अमेरिका के दौरे से वापस जैसा ही उतरे, रात में 8:45 पर पार्लियामेंट की नई बिल्डिंग को देखने चले गए और जाकर बड़ा तफसीली मायना किया, घूर घूर कर देखा बिल्डिंग कितनी बड़ी बन रही है, क्या काम हो रहा है वहां पर। पार्लियामेंट की बिल्डिंग पर काम करने वाले मजदूरों से बात की, मगर हम देश के प्रधानमंत्री से पूछना चाहते हैं, जब उत्तर प्रदेश में गरीब आवाम की लाशें पानी पर तीर रही थी, जब उत्तर प्रदेश के अस्पतालों में इलाज के लिए बेड नहीं मिल रहा था, जब उत्तर प्रदेश में गरीब मर रहा था घुट घुट कर, प्रधानमंत्री नहीं आए देखने के लिए क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है? मगर पार्लियामेंट की एक जेर तामीर बिल्डिंग को देखने के लिए प्रधानमंत्री अपने कैमरामैन को, अपने फोटोग्राफर को लेकर जाते हैं। आज आप बताइए कि जब लोग उत्तर प्रदेश में 1 लाख से ज्यादा कोविड की सेकेंड वेव में मर गए, इनके ताल्लुक से कोई कुछ नहीं कहता। जिला परिषद का चुनाव कराया गया, 1200 गवर्नमेंट के मुलाजमीन की मौत हो गई कोविड की वजह से, क्या ये विकास है? मुख्यमंत्री कहते हैं कि मैं राशन सबको देता हूं, और उन लोगों को पहले मिलता था जो अब्बा जान कहते थे। हम उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से पूछना चाह रहे योगी आदित्यनाथ, क्या ये बात सच नहीं है कि मोदी सरकार ने पार्लियामेंट को ये बताया, भारत की संसद को, लोकसभा को, जो मुल्क की सबसे बड़ी पंचायत है, कि पूरे देश में 9 लाख ऐसे मासूम बच्चे हैं जो भूख और फाकाकशी की वजह से कमजोर पड़ चुके, तो लोकसभा में मोदी सरकार ये बताती है कि पूरे मुल्क में 9 लाख अगर बच्चे कमजोरी का शिकार हो चुके हैं भूख और फाकाकशी की वजह से, तो 4 लाख तो सिर्फ उत्तर प्रदेश के थे, क्या यह आपका विकास है योगी आदित्यनाथ? आज उत्तर प्रदेश में लाखों की तादाद में नौजवान बेरोजगार हो चुका, रोजगार की तलाश में नानपारा और बैरेज का नौजवान दिल्ली या कभी मुंबई जाकर अपनी किस्मत चमकाने की कोशिश करता है, अपने दो वक्त की खाने के इंतजाम करने के लिए इतने दूर दूर चला जाता है। बताओ आपने कितने उत्तर प्रदेश के बेरोजगारों को रोजगार दिया?
और खुद असेंबली में योगी सरकार के मंत्री कहते हैं कि उत्तर प्रदेश में 33 लाख बेरोजगार नौजवानों के नाम लिखे गए जिनको नौकरी की जरूरत है, रोजगार किसको मिला। अगर मैं आज इस हजारों की तादाद के जलसे में आपसे एक सवाल करूंगा कि कितने लोगों को नौकरी नहीं मिली, जरा हाथ तो उठा दो। कितने लोगों को नौकरी नहीं मिली, हाथ तो उठा दो। क्या बाबा ने नौकरी दी आपको? अब बाबा ये देखना नहीं चाहते, बाबा जो बोलेंगे नहीं अब्बा जान है इनको नौकरी क्यों देंगे हम। नौकरी तो सबको चाहिए ना, चाहे वो किसी मजहब का हो, किसी जात बरादरी का हो, मगर झूठ पे झूठ इतना कह जाते हैं कि नौकरी दे दी गई। अच्छा फिर ये भी कहते हैं कि उत्तर प्रदेश में कोई दंगा फसाद नहीं हुआ, झूठ कहते हैं। क्या ये सच नहीं है योगी आदित्यनाथ कि 2019 का नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो का डेटा कहता है, जो अमित शाह की मिनिस्ट्री के अंदर आता है, 2019 में 5000 से ज्यादा फिरका परस वाकयात पेश आए। बताओ इसका जिम्मेदार कौन है? क्या आपकी सरकार नहीं है? फिर कहते हैं कि उत्तर प्रदेश में महिलाओं पर, महिला सुरक्षित है, महिला यहां पर सेफ है, ये भी झूठ है। पूरे भारत में अगर सबसे ज्यादा महिलाओं पर जो जुल्म के मुकदमे अभी तक शुरू नहीं किए गए या बर्फदान में पड़े गए हैं, वो करीब 1,80,000 के करीब मुकदमे हैं। क्या ये आपका विकास है योगी आदित्यनाथ? क्या ये बात सच नहीं है कि उत्तर प्रदेश के कई दवाखानों में 1400 डॉक्टरों की जायदादें खाली पड़ी हुई हैं? और फिर मुसलमानों के ताल्लुक से योगी आदित्यनाथ ये कहते हैं कि हम ना भेदभाव नहीं करते। अरे अगर भेदभाव नहीं करते तो अब्बा जान का नाम क्यों निकला आपकी जबान से? अब्बा जान का नाम क्यों निकला आपकी जबान से? क्यों आपके दिलो दिमाग में यह बात बैठी हुई है कि अब्बा जान के बोलने वालों का ताल्लुक किसी एक मखसूस मजहब से है? हम योगी आदित्यनाथ की सरकार से पूछना चाहते हैं, बताओ क्या यह बात सच नहीं है कि प्रधानमंत्री योजना ग्रामीण में कितने घर आपने अपने मुसलमानों को दिए? बताओ आप। सैंक्शन तो बहुत कागज पर कर दिया, मगर क्या तुमने एक घर भी मुसलमान को दिया? बताओ अगर किसको दिया, 10 नाम बताओ। इतने घर मंजूर हुए मगर कितनों को घर मिला, बता नहीं सकते। फिर कहते हैं कि ओवैसी आकर भेदभाव की बात करता है, ओवैसी आकर मजहब की बात करता है। अरे मैं तुमको पूछ रहा हूं कि 4.5 साल का रिकॉर्ड हम तुमसे सवाल कर रहे हैं योगी आदित्यनाथ के, 4.5 साल में तुमने क्या किया बताओ, तो लंबी लंबी छोड़ना शुरू कर देंगे। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आज आपको यह जानना पड़ेगा कि योगी आदित्यनाथ सरकार ने अगर भारत में सबसे कम पढ़े लिखे मुसलमान लिटरेसी रेट उत्तर प्रदेश में है तो मुसलमानों का है, सबसे कम पढ़े लिखे लोग अगर हैं तो यहां पर उत्तर प्रदेश में कोई है तो मुसलमान है, सबसे कम पढ़े लिखे अगर महिलाएं हैं तो मुसलमान है। इसका जिम्मेदार कौन है? असदुद्दीन ओवैसी है या योगी आदित्यनाथ या फिर समाजवादी की पुरानी हुकूमत रही है? आप खुद सोचिए कि हम पर इल्जाम लगाते हैं कि वोट काटने आया है। एक तरफ ये नाम निहाद सेकुलर पार्टी ये कहती है कि ओवैसी की पार्टी वोट काटने आई है, तो दूसरी तरफ योगी आदित्यनाथ और आरएसएस और वो कट्टर तंजीमें कहती हैं कि ओवैसी को भारत से मोहब्बत नहीं है। आप खुद पूछिए कि उत्तर प्रदेश में सिर्फ 2% मुसलमान ग्रेजुएट होता है, इसका जिम्मेदार कौन है? क्योंकि हमको शौक नहीं है पढ़ने लिखने का? मैं आपसे सवाल कर रहा हूं, हाथ उठाकर बताइए कि आप अपने बच्चे और बच्चों को पढ़ाना नहीं चाहते? क्या आपको स्कूल की जरूरत नहीं है? क्या आपको नानपारा में डिग्री कॉलेज मिल गया? हमारे बच्चों को पढ़ाने के लिए प्राइवेट बस में नानपारा से बहरेज जाना पड़ता है, और उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार कहती है कि हमने यहां पर बहुत बड़ा काम किया। सादात कॉलेज का जिक्र मौलाना ने भी किया, उसका सदर डीएम है, नायब सदर तहसीलदार है। बताओ जब डीएम सदर है तो क्या किया सादात कॉलेज में? योगी आदित्यनाथ
ये सादात कॉलेज को अपने खंडेर पर वीरान बनाकर रख दिया। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, यही सवालात जब मजलिस इत्तेहाद और मुस्लिमीन उठाती है तो सबके पेट में दर्द शुरू हो जाता है, सबके सर में दर्द शुरू हो जाता है। इनको समझ में नहीं आता कि इसके इन सवालों का जवाब कैसे दिया जाए। याद रखो, सच का ये सच्चाई मैं आपके सामने बयान कर रहा हूं और बीजेपी के पास इसका कोई जवाब नहीं है, सिवाय इसके कि जब हम उत्तर प्रदेश में अपने जलसे में इन तमाम सवालात को उठाना शुरू कर दिए तो वो आरएसएस से वाबस्ता एक तंजीम के लोग जो बुजदिल है हमारे दिल्ली के घर पर जाकर हमारे नाम प्लेट को कुल्हाड़ी से तोड़ देते हैं, उसको पत्थर घर में फेंकते हैं और कहते हैं कि ओवैसी ने ऐसी तकरीर की थी, तकरीर उत्तर प्रदेश में हमने की थी। तो जब बीजेपी आरएसएस को लगा कि ये सच्चाई बयान कर रहा है, ये जनता के दरमियान में जाकर उनको बेदार कर रहा है, बाशऊर कर रहा है, तो हमारे घर पर हमला करवा दिए। और हमारे घर के बाजू पड़ोसी इलेक्शन कमीशन है, जिस तरह आज 10 कदम पर दिल्ली का पुलिस का हेडक्वार्टर है और पुलिस हजरत पुलिस है, आराम से 20 मिनट के बाद आती है अपने दामादों को भिजाने के बाद हमारे घर पर। माने वीडियो निकालते हैं और जान से मारने की हमको धमकी देते हैं कि ओवैसी अपने भाषण में इस तरह की बात करता है। याद रखो, सऊदी ओवैसी के भाषण में किसी मजहब के खिलाफ कोई ना बात हुई ना कभी होगी इंशाअल्लाह होता। हाँ, मेरे मुंह में मेरी जबान है, तुम्हारे बाप की जबान नहीं है कि मैं गुलामी के अल्फाज अदा करूं। हमारे मुंह में हमारी जबान है, अल्लाह ने हमको दिमाग दिया है, सोचने का सलीका दिया है, अल्लाह ने हमको जिंदा रखा है। जो लोग जिस नेता की या जिस लोगों की आवाम की जबान नहीं चलती, वो जिंदा नहीं है, वो मुर्दा है। जो नाइंसाफी को देखकर भी जबान नहीं खोलते, जो जुल्म को देखकर भी उनकी आंख में आंसू नहीं आते, जो बर्बादी को देखकर उनका दिल नहीं जलता, तुम इंसान नहीं हो, तुम इंसानों की बस्ती में नहीं रह सकते। अगर इंसान हो तो हरकत करना पड़ेगा, जिंदगी का सबूत देना पड़ेगा। और जिंदगी का सबूत सबसे पहला यह है कि आप नाइंसाफी के खिलाफ आवाज को बुलंद करें। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, नानपारा में अभी आपने सुना कि यहां पर जो बीजेपी के विधायक हैं, मोहतरमा हमारी बहन है और उनके जो पति हैं वो सपा में चले गए। ये कौन सी मैच फिक्सिंग योगी आदित्यनाथ और अखिलेश कर रहे हैं, बताइए हमको। कि भाभी तो सपा में है और उनके पति समाजवादी में चले गए, कौन बी टीम है बताइए आप। कौन नानपारा की जनता को धोखा दे रहा है कि योगी भी खुश और अखिलेश भी खुश, कि एक मेरे पास है एक तुम्हारे पास है, दोनों बांट लिए क्या नानपारा को? ये कोई मिठाई की दुकान है नानपारा के? तुम एक गुलाब जामुन खा लो, मैं बाद में खा लूंगा। आप बताइए क्या काम हुआ नानपारा में? आप विधायक यहां पर हैं, क्या आपको बस डिपो की जरूरत नहीं है नानपारा में? बस डिपो की जरूरत है ना आपको? आपको बस डिपो मिला योगी दिए? अच्छा, अब आपको ब्रॉड गेज रेलवे लाइन की जरूरत है नहीं है? क्या योगी ने दिया? क्या मोदी ने कुछ किया? कुछ नहीं किया। और फिर नानपारा गढ़ीघाट की रोड 10 किलोमीटर की रोड है, रोड ही नजर नहीं आती, खाली खड्डे 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 नजर आते। अब आप बताइए, तकिया घाट ब्रिज जो सरयू नदी के ऊपर 10 साल पहले मंजूर हुआ, अभी तक काम चल ही रहा है। अगर वो काम हो जाता तो 25 गांव के 40,000 लोगों को फायदा होता। क्या किया काम योगी आदित्यनाथ और उनके बीजेपी के विधायक ने यहां पर? मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मटेरा ब्रिज जो है, जो नानपारा को नवाबगंज से मिलाता है, वो कभी भी गिर सकता है। बाबा को फिक्र ही नहीं है उसकी, मुख्यमंत्री को उसकी फिक्र ही नहीं है। अच्छा, यहां का किसान कह रहा है कि कांजी घर बनाओ, कांजी घर बनाओ, बाबा जानवर रोड पे निकल जा रहा है, जा कांजी घर बनाओ। बनाते नहीं। और फिर
यहां पर आप देखते हैं राशन कार्ड भी कहां मिला बताइए। अब्बा जान तो कह दिया कितनों को दो साल में एक राशन कार्ड मिला, अगर मिला तो हाथ उठा के बताओ कितनों को राशन कार्ड चाहिए डान पारा में बताइए। बाबा देखो ये अब्बा जान के कितने राशन कार्ड की जरूरत है, राशन कार्ड नहीं दिया जाता। अच्छा अस्पताल है, कम्युनिटी हेल्थ केयर सेंटर है, कितने बेड है खाली? 14 बेड है नानपारा में। विधायक क्या कर रहे हैं? तो विधायक कह रहे हैं बेड की जरूरत नहीं है, एक बेड हमने सपा के ऑफिस में लगा दिया, वो रात में जाके वहां सोते, हम यहां बैठे रहते बीजेपी में। 14 बेड सिर्फ सीएच कम्युनिटी हेल्थ सेंटर में है। अच्छा यहां पर फिर आप जानते हैं असलम और नूर को, मैं जानता हूं असलम और नूर को, 14 महीने जेल में रखा गया उन असलम और नूर को। असलम चूड़ियां बेचते थे और नूर मच्छी बेचता था, बाबा की सरकार ने इसे लगाया तो 14 महीने असलम और नूर को जेल में रहना पड़ा। आज वो असलम और नूर कसमपुरसी की आलम में अपनी जिंदगी को गुजार रहे हैं। ये आपके नानपारा के मसाइल हैं मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों। मैं आपसे अपील करने आया हूं, आपसे गुजारिश करने आया हूं कि अब की बार आपको पूरे एतमाद के साथ और बेखौफ होकर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवार के हक में अपने वोट का इस्तेमाल करना है। डरने और घबराने की जरूरत नहीं है, लोग बहुत से आएंगे। आज हमारा जलसा हो गया, आज हमारा भाषण हो गया, तो हमारे यहां जाने के बाद कल से ये जो कौम और मिल्लत के दलाल हैं जिसको दल्ले कहते हुए आएंगे यहां पर, वो आकर बोलेंगे कि ओवैसी जज्बाती बात करता है, ओवैसी की बात में नहीं आना, एक होकर वोट दो ना। अरे एक होकर ही तो वोट दिए थे ना सपा को। यहां का एमपी कौन सी पार्टी का है? कौन सी पार्टी का है? बीजेपी का है ना। अब मैं आपसे सवाल कर रहा हूं, आप तमाम से भी जो वहां और यहां खड़े, ये पुलिस ने दीवार खड़ा कर दी, इंशाअल्लाह ताला जब विधानसभा का चुनाव होगा तो मैदान में जलसा होगा और लाखों लोग होंगे इंशाअल्लाह होगा। अच्छा आप बताइए कि आपने बीजेपी को वोट दिया पार्लियामेंट के इलेक्शन में? ये आपने नहीं दिया। अरे शर्माओ नहीं, डरने की जरूरत नहीं है, दिया आपने। अरे ऐसा तो करो फिर कैसे जीता, कैसे जीता बताइए ना। कि हमने आपको आकर कहा था कि हमारे अजीतनाथ आकर आपको कहे थे, तो मालूम हुआ कि जो सपा का वोटर है वो बीजेपी के मोदी के साथ बैठकर चाय पी रहा था। आपका वोट आपने तो दिया बीजेपी को रोकने के लिए, मगर बीजेपी कैसे जीत जाती मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये हकीकत है जिस पर आपको गौर करना है। लोग बहुत से आएंगे और आकर कहेंगे कि असदुद्दीन ओवैसी जज्बाती तकरीर करता है, नौजवान उसकी तकरीर से खुश हो जाते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैं यहां पर अपनी अना की तस्कीन के लिए नहीं आया हूं, ना कभी आऊंगा। मैं यहां पर अपनी मकबूलियत के झंडे गाड़ने के लिए हरगिज नहीं आया हूं। अल्लाह मेरी नीयत को जानता है। मैं यहां पर उत्तर प्रदेश में इसलिए आया था, आया हूं और इंशाअल्लाह ताला आता रहूंगा, उस वक्त तक आता रहूंगा जब तक कि मेरे जिंदगी का एक बहुत बड़ा मकसद ही है कि उत्तर प्रदेश में बल्कि भारत के हर उस मुकाम पर जहां पर मुसलमान बसता है वहां पर उनके सियासी लीडरशिप को बनाएंगे। अल्लाह हमारी मदद करेगा, अल्लाह कामयाब करेगा, ये हमको करना है। आप नेता बन सकते और आप नेता बनेंगे इंशाअल्लाह ताला। आपको सिर्फ एतमाद की जरूरत है, अपने हौसलों को बढ़ा के रखिए, अपने अल्लाह से रिश्ते को मजबूत करिए, अल्लाह पर भरोसा करिए, डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। लोग बोलते हैं कि हाँ ये तमाम जुल्म के वाकयात हुए हैं, मैं आपको बता रहा हूं मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, उलेमाओं की मौजूदगी में, जिम्मेदारों की मौजूदगी में आपसे बता रहा हूं कि क्या तुमने मक्के की तारीख को तुम भूल गए? क्या तुम मक्के की तारीख को भूल गए? क्या तुम उहद के मैदान को भूल गए? क्या तुम मुवत्ता के मैदान को भूल गए? क्या तुम
यहां पर खाक और खून के दरियाओं से गुजर कर आए हैं। हमारे आका मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म मुबारक पर ऊन की उजड़ी डाली गई थी, ताइफ के सबर में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पत्थर बरसाए गए थे, अपने मुबारक खून में लहूलहान हो गए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से काबे के सहन में दस्तराजी की गई, सिद्दीक अकबर को मारा गया, इतना मारा गया कि चेहरा नजर नहीं आता था। क्या तुम भूल गए हजरत बिलाल के जुल्म को कि रेत पर लिटाकर गरम गरम पत्थर उनके सीने पर रख दिए जाते? क्या तुमने हजरत सुमैया की शहादत को भूल गए कि हामिला थी और जालिम ने निजा मार दिया? क्या तुमने हद के मैदान में दंडाने मुबारक की शहादत को भूल गए? क्या तुमने हद के मैदान में अमीर हमजा की शहादत को भूल गए कि जिस हम पर कफन में रखा गया तो पैर नजर आते तो कभी हाथ नजर आता? क्या तुमने बदर के उम्र नजारों को भूल गए? क्या तुमने करबला में नवासे रसूल की शहादत को भूल गए? क्या तुमने दरियाए फरात के किनारे जो अहले बैत का खून लाल हुआ उनकी कुर्बानियों को भूल गए? तो फिर डरना किस बात का? याद रखो, इस दीन की बुनियादों में हमारे बुजुर्गों का खून है। ये दीन अगर कायम है तो बासलम बरदार ने इसमें कुर्बानी दी है, दीन खुलफाए राशिदीन ने शहादत दी है। तो डरने की जरूरत नहीं है। अगर कोई आकर कहेगा कि डरना है, नहीं डरेंगे इंशाअल्लाह ताला। अगर कोई दुनिया में पैदा होता है अपनी मां की कोख में 9 महीने, अगर कोई बच्चा और बच्ची रहती है तो वो अपना रिस्क, अपनी जिंदगी अल्लाह उसको लिख कर भी जाता है। कोई मेरी जान नहीं ले सकता उस वक्त तक जब तक कि अल्लाह में फैसला ना कर ले कि फुला वक्त पर असदुद्दीन ओवैसी मरेगा तो असदुद्दीन ओवैसी मरेगा। अगर अल्लाह कहेगा कि लाखों लोग असदुद्दीन ओवैसी के खिलाफ हो जाए तब भी वो नाकाम साबित हो जाएंगे, तो भी वो अल्लाह करता है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मैं इसलिए आपसे कह रहा हूं कि अपनी हिम्मतों को बुलंद रखिए। अगर हिम्मतें हैं तो उसको और मजबूत करिए। डर और खौफ को, गैर यकीनी कैफियत को अपने करीब आने मत दीजिए। ये मुल्क हमारा है, ये मुल्क हमारा है, याद रखो। इस मुल्क की आजादी के लिए हमारे बुजुर्गों ने अपना खून पसीना बहाया, अपनी जानों को कुर्बान कर दिया, माल्टा की जेलों में सजा काटी, काला पानी की सजा काटी अल्लामा फजल खैराबादी रहमतुल्लाह अलैह ने। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, हमारे उलमाओं ने अंग्रेजों के खिलाफ जिहाद का फतवा दिया था और जिहाद का फतवा देने के बाद सियाही सूखने से पहले हमारे उलमाओं ने अपनी जानों की कुर्बानी पेश कर दी, नजराने पेश कर दिए। दिल्ली से लेकर मौजूदा पड़ोसी मुल्क का जो रास्ता है, उन पेड़ों पर हमारे उलमाओं की 1 लाख लाशें लटकी हुई थी। क्या तुम उनकी कुर्बानियों को फरामोश कर दोगे डर कर? किस बात का डर है तुमको? किस बात का डर है? अरे डर पैदा करना है तो अल्लाह का डर पैदा करो। जिस दिन हमारे दिलों में अल्लाह का डर और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत पैदा हो जाएगी, कोई डर तुम्हारे करीब नहीं आएगा इंशाअल्लाह ताला। ये लोग जानते हैं हमारी तबीयतों से कि इनको कभी बोल कर देखो, कभी मार कर देखो, कभी ढकेल कर देखो, कभी जेल में डाल कर देखो, कभी गोली चला कर देखो। मगर मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, डर डर कर जिंदगी नहीं गुजारना है। संविधान जिसको बाबा साहेब अंबेडकर ने बनाया, और संविधान कहता है कि भारत में कोई किसी मजहब का हो उसकी जान की कीमत 1 होगी, उसकी जान की कीमत 1 होगी। अगर मुसलमान और दलित है तो उसकी जान की कीमत किसी से कम नहीं है, याद रखो। तुम अपनी जान की कीमत नहीं जानते, तुम्हारी जान की बड़ी कीमत है, तुम्हारी जान की बड़ी कीमत है। और हम अपना खून को, अपने नौजवानों के मुस्तकबिल को ऐसा जाने नहीं देंगे। हम अपने हक के लिए लड़ेंगे। और हमारा हक क्या है? मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आसमान से हम तारे तोड़ कर लाएंगे या चांद से मट्टी लाएंगे। हम सिर्फ यही कह रहे कि नानपारा की सरजमीन पर मंदिर का परचम लहराएगा, उत्तर प्रदेश में मंदिर का परचम लहराएगा, उत्तर प्रदेश की विधानसभा में मंदिर के मेले कामयाब होकर विधायक होकर जाएंगे। और जब जाएंगे तो उत्तर प्रदेश की विधानसभा जो बरसों से तड़प रही है मजलूम
सुनने के लिए उत्तर प्रदेश की विधानसभा जो हमारी माँ और बहनों के रातों की नींद जिनकी हराम हो चुकी है उनको रातों में आराम से नींद आने के लिए उत्तर प्रदेश की विधानसभा के दरों दीवार तड़प रहे के मजलूमों की आवाज सुने। इंशाअल्लाह ताला अब के असेंबली चुनाव में उत्तर प्रदेश की विधानसभा में ये मजलिस के उम्मीदवार जीत कर जाएंगे, मजलूमों की आवाज बनेंगे। अगर जालिम होगा हुक्मरान तो जालिम की आंखों में आंखें डालकर कहेंगे कि अब नाइंसाफी नहीं बर्दाश्त की जाएगी, अब हिस्सेदारी की बात होगी, हम अपना हिस्सा लेकर नानपारा को उत्तर प्रदेश की सबसे बेहतरीन विधानसभा बनाएंगे इंशाअल्लाह होता। क्या आप हमारा साथ देंगे? क्या आप हमारा साथ देंगे? क्या आप हमारा साथ देंगे? क्या आप तमाम मिलकर और देंगे? क्या सब मिलकर पतंग के निशान पर बटन दबाएंगे? तो लगाओ मेरे साथ नारा मिलकर, नारे तकबीर, नारे तकबीर। आवाज में दम है मगर लखनऊ तक योगी के कान तक नहीं पहुंच, वरना बोलेंगे अब्बा जान की आवाज नहीं आई। जब अब्बा घर में पुकारते तो पूरा घर हिलता नहीं हिलता, हिलता है ना। तो मेरे अजीज दोस्तों, वो आवाज आपको वोटिंग के दिन निकालना, जबान से नहीं अपने इस उंगली से दबा कर मशीन पर पतंग का निशान जा नजर आएगा, बटन दबा दबा कर आप मजलिस को कामयाब करेंगे। ये कामयाबी आपकी होगी, ये कामयाबी आपके इत्तेहाद की कामयाबी होगी, ये कामयाबी आपके सियासी शऊर की कामयाबी होगी, ये कामयाबी मुस्तकबिल में नाइंसाफियों के खात्मे की कामयाबी होगी इंशाअल्लाह। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, अब दूसरी बात जो मैं आपके सामने अर्ज कर रहा हूं, अभी जो हमारे मौलाना ने कहा कि किसी एक बड़े पुलिस के ऑफिसर ने मौलाना से कहा कि क्यों मजलिस का इलेक्शन लड़ रहे, ये मन नहीं कहना चाहिए, हरगिज नहीं कहना चाहिए था, पुलिस का काम ये नहीं है। अगर आप ऐसा बोलेंगे तो हम इलेक्शन कमीशन को लेटर लिख देंगे, लेटर लिखकर कहेंगे कि आप जब यहां पर रहेंगे तो आज चुनाव फ्री एंड फेयर नहीं होगा। और इलेक्शन कमीशन सब सुनता है, देखता है, तो ये नहीं करना चाहिए। हमारा भाषण होगा, अब क्या करेंगे, योगी आए तो लोगों को पकड़ पकड़ के लाना पड़ता कि एक पाकिट लो खाने की और आओ बैठो सुनो। अच्छा, आपको किसी को पैसा दिया गया आने के लिए? किसी को बिरयानी दी गई? क्यों आए थे? क्यों आए? अरे जोर से बोलो, अरे जब प्यार किया तो डरना क्या, जोर से बोलो क्यों आए? सुन लो सर, ये आते हैं, हम इनके दीवाने, ये हमारे दीवाने। और ये मोहब्बत जो है ना, ये कोई दौलत की बुनियाद पर ये मोहब्बत कायम नहीं हुई, कायम हुई क्या दौलत की बुनियाद पर? ये मोहब्बत इस बुनियाद पर कायम हुई है जिसको रब्बे करीम ने कलमे की बुनियाद पर इस रिश्ते को जोड़ दिया, और इंशाअल्लाह ताला ये मोहब्बत और रिश्ता सुबह कयामत तक जारी रहेगा। आप हमारे लिए दुआ करते रहिए कि आपने जो हम पर भरोसा किया हम उस पर पूरा उतर सके, हम आपके भरोसे को शर्मिंदा ना होने दें इंशाअल्लाह होगा। और पुलिस से भी कहना चाहूंगा, अपना आप काम करिए, आपको अपने हमारे आपके काम में ताऊन की जरूरत है तो हम हाजिर हैं, हम ताऊन करेंगे, मगर ये बोलना मौलाना को कि ये क्यों कर रहे वो क्यों कर रहे, भारत का संविधान आपसे बड़ा नहीं है, ना मुझसे बड़ा है, ना योगी से बड़ा है, ना मोदी से बड़ा है। भारत के संविधान के तहत सबको काम करने की इजाजत है, हम अपना काम कर रहे आप अपना काम करो, जेल में डालना चाहते डाल दो, आप जेल में कितनों को डालेंगे? उत्तर प्रदेश की जेलों में 27% अगर कोई जेल में तो मुसलमान, कितनों को सजा होती है? सिर्फ 4 या 5% लोगों को सजा होती है, क्यों डाला जाता है जेल में? हां, अगर जेल में डालना है तो गोरखपुर में एक शख्स को होटल में गोली मार दी गई, हम बाबा से पूछना चाहते हैं, बाबा गोरखपुर में गोली मार दी गई और आप सिर्फ 3 लोगों को अरेस्ट करेंगे, एक को गोली मार दी गई तो उससे कह रहे हैं उसकी हमारी बहन से जो बेवा हो चुकी है कि 10 लाख ले लो नौकरी ले लो,
क्या किसी को गोली मार कर कहेंगे कि 10 लाख ले लो, नौकरी ले लो, तो कितने लोग तैयार होंगे? क्या इंसान की जान की कीमत 10 लाख हो सकती है? किसी पर कोई पत्नी अपने पति की जिंदगी को 10 लाख में कबूल करने के लिए कोई तैयार नहीं हो सकती। हम योगी आदित्यनाथ की सरकार से कह रहे हैं कि आप की हुकूमत ये ठोक दो की पॉलिसी छोड़ दो, ये ठोक दो की पॉलिसी छोड़ दो। जब से योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश की विधानसभा में खड़े होकर कहा था कि ठोक देंगे, देखो ठोक दिया गया है। एक हमारी बहन बेवा हो चुकी है, बच्चे यतीम हो चुके हैं आपके गोरखपुर में। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गो, इन बातों पर आपको गौर फिक्र करना है। अब तीसरी और अहम बात की है, टाइम है ना, कब तक टाइम दिए? टाइम है ना, वरना फिर आपको ले जाएंगे। आप जाने तैयार हैं ना? ठीक है, हम बोलकर चले जाते हैं, जाएंगे। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मैं आपसे अर्ज कर रहा था कि मजलिस पर इल्जाम ये लगाया जाता है कि मजलिस लड़ती है तो मुसलमानों के ओर को डिवाइड करती है। हमने आपसे पूछा कि पार्लियामेंट के इलेक्शन में क्या आपने बीजेपी को वोट दिया, तो आप तमाम ने कहा कि नहीं दिया। क्या पार्लियामेंट के चुनाव में मजलिस का कोई उम्मीदवार था, कैंडिडेट था? नहीं था। तो कैसे बीजेपी जीत गई यहां से? क्या पार्लियामेंट के चुनाव में, सांसद के चुनाव में बीएसपी और सपा ने मिलकर चुनाव नहीं लड़ा? तो फिर आखिर क्या वजह है कि 15 सीट जीत पाए सपा और बीएसपी वाले? हम तो मौजूद नहीं थे। तो मालूम हुआ कि मुसलमान तो वोट दिया सपा और बीएसपी को, झोली भर भर के, झोली भर भर के दिया, मगर जो सपा और बीएसपी का जो हिंदू वोटर था, जो हमारा हिंदू भाई है, उसने कहा कि मोदी को वोट देंगे। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गो, आपको मुसलमानों को बहलाने के लिए उत्तर प्रदेश के मुसलमानों को, बल्कि भारत के मुसलमानों को बहलाने के लिए, फुसलाने के लिए हमारे हाथ में खिलौना दे दिया गया कि मुस्लिम वोट बैंक है, मुस्लिम वोट बैंक है। इस मुल्क में कभी भी मुस्लिम वोट बैंक नहीं था, ना कभी रहेगा। हमारे वतन अजीज भारत में हमेशा हिंदू वोट बैंक था और हिंदू वोट बैंक ही रहेगा। यह हकीकत आपको समझना पड़ेगा। अगर समाजवादी हार गई, बीएसपी हार गई, तो जब हारते कहते मुसलमान ने वोट नहीं दिया, हकीकत यह है कि उनको हमारे हिंदू भाई और बहनों ने वोट नहीं दिया। इसीलिए हिम्मत नहीं है समाजवादी और बीएसपी के लोगों को, उनके नेताओं को, यह हकीकत को बयान कर सके। आप बताइए, जब यह होता है तो फिर यह नतीजा निकलता? आज आप बताइए मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, हम पर इल्जाम लगाते हैं कि हम वोट काटने आए हैं। अरे कहां का वोट हम काट रहे हैं बताओ? भारत के 3 पार्लियामेंट की सीट पर हम इलेक्शन लड़े, 2 पर हमने, 1 पर हैदराबाद के आवाम को सलाम, हमने बीजेपी को वहां हराया। अच्छा, हमारे खिलाफ बाबा भी आए थे, बाबा भी आके बहुत लंबा लंबा छोड़ के गए थे। हम भी बोले आइए, आना चाहिए, बोलना चाहिए, बोले वो, कुछ नहीं हुआ, टांग टांग हो गए। औरंगाबाद महाराष्ट्र में इम्तियाज जलील हमारे एमपी हैं, वो भी आएंगे उत्तर प्रदेश को इंशाल्लाह। इम्तियाज जलील ने शिवसेना के 21 साल पुराने एमपी को हराया। फिर हमने तीसरी सीट लड़ी किशनगंज बिहार में, सीमांचल की वो सरजमीन जहां पर लाखों की तादाद में लोग बसते हैं और भारत का सबसे पिछड़ा इलाका है, वहां पर हमने 3 लाख वोट हासिल किए। बीजेपी नहीं जीती, कांग्रेस जीती वहां पर। तो बताओ हमसे क्यों इतना डर है? हमसे डर इसलिए है कि ये नहीं चाहते कि मुसलमान इनको छोड़कर चला जाए। हम आपसे कह रहे हैं कि यकीनन बीजेपी को हराएंगे इंशाअल्लाह ताला, हम हराएंगे इंशाअल्लाह ताला बीजेपी को। मगर मुसलमानों का मसला क्या है? जब जंग की तैयारी होती है तो हमको जंग के मैदान में लाकर छोड़ देते हैं कि बेटा तुम भिड़ो बीजेपी से, और भाग जाते हैं छोड़ के हमको, छोड़ के भाग जाते हैं हमको। मैं पहले भी कहा, आज भी कह रहा हूं, बीजेपी को रोकना जरूरी है।
बीजेपी नहीं बल्कि आरएसएस को रोकना जरूरी है, मगर क्या रोकना मेरी जिम्मेदारी है? क्या रोकना सिर्फ मेरी जिम्मेदारी है, तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं है? कैसे राहुल गांधी हार गए? राहुल गांधी क्यों हारे अमेठी में? अखिलेश यादव के परिवार के 3 लोग हार गए, हम जिम्मेदार? मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, अगर आप अपने ओर से, दलित भाइयों के ओर से और ओम प्रकाश राजभर साहब के संकल्प मोर्चा में जो कमजोर तबका सब एक होकर वोट डालेंगे, तो हम अपनी लीडरशिप को बनाएंगे यहां पर, हम लीडरशिप को बनाएंगे यहां पर। लीडरशिप को पसंद नहीं करते, ना बीजेपी पसंद करती, ना समाजवादी पसंद करती, ना बीएसपी पसंद करती, कोई नहीं पसंद कर सकता। और आपको एक तल हकीकत बता रहा हूं कि उत्तर प्रदेश में जितने समाज हैं, जो पिछड़े समाज की हैं, हर एक का एक नेता है, हर एक की पहचान है, हर एक की ताकत है। अगर किसी का कोई नेता नहीं है, अगर किसी की कोई पहचान नहीं है, अगर सबसे तौर पर सियासी तौर पर जिसको यतीम और लाचार बनाकर छोड़ दिया गया, उत्तर प्रदेश का 19% का मुसलमान, बताओ तुम्हारा नेता कौन है उत्तर प्रदेश में? कोई है आपका नेता उत्तर प्रदेश में? नाम लो उसका, मैं कहता हूं नाम लो उसका। आपके पास नाम नहीं लिया जाता। हां, नाम ले सकते उन लोगों का जो जीत जाते हैं, मगर जीतने के बाद जब जाकर बोलने का वक्त आता है नाइंसाफी के खिलाफ, तो गूंगे बन जाते हैं, गूंगे बन जाते हैं। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मेरी आपसे गुजारिश है कि अपने वोट का सही इस्तेमाल करिए। लोग आकर आपको बहुत सी बातें बोलेंगे, मैं जितने सवाल किया उसको याद रखो। नौजवानों, मैं तुमसे एक गुजारिश कर रहा हूं कि आप मेरा काम करोगे? नौजवानों, मेरी इस तकरीर को जरा डालो सोशल मीडिया पे, यूट्यूब पर डालो, टिकटॉक तो खत्म हो गया पर इंस्टाग्राम पे डालो, वो जो फसाद बुक है जिसको फेसबुक कहते हैं उस पर भी डालो, सब जगह डालो, ताकि घर घर तक हमारी बात पहुंच जाए, हमारे उलमाओं तक, हमारे मशाइखीन तक, हमारी सरदार माँ और बहनों तक ये सच्चाई का पैगाम उनके कानों तक पहुंच जाए, और फिर आप फैसला करो। अगर मेरे अल्फाज में एक भी सच्चाई है तो उस पर अमल करो। खुदा के आपको अपनी क़यादत को बनाना है, आपको अपने सफल से नेता को बनाना है। कब तक आप इन तमाम को वोट दिए मगर आपको क्या मिला, बताइए मुझे? पार्लियामेंट में हम बोलते, उत्तर प्रदेश में आए तो बोलते, अगर ओवैसी के 10-15 जीत जाएंगे तो क्या होगा? हमको किसी ने पूछा, एक समाजवादी के और बीएसपी के नेता ने पूछा कि यार ओवैसी एक बात बताओ, अगर उत्तर प्रदेश में तुम्हारे 15-20 जीत गए तो क्या होगा, क्या कर लोगे तुम, क्या तुम सरकार बनाओगे, क्या तुम सत्ता में आओगे? तो हमने कहा, सुनो, तुम्हारे सवाल का 2 जवाब हम देते हैं। पहला जवाब यह है कि जब हम बिहार में इलेक्शन लड़ रहे थे, सीमांचल में इलेक्शन लड़ रहे थे, तो यही ये सेकुलर से पार्टी जो अपने आप को सेकुलर कहते, सेकुलर नहीं है लोग, फिरका परस्त है, ये अपने आप को सेकुलर दिखाते पर अंदर आरएसएस की चड्डी पहनकर अपने आप को सेकुलर कहते हैं लोग। अब तो आरएसएस भी 90 साल के बाद पैंट पहनना शुरू कर दिया, सॉरी आप पैंट पहन रहे हैं। तो मेरे अजीज दोस्तों, हमने कहा कि जब सीमांचल बिहार में इलेक्शन लड़ रहे थे, यही लोग ने, मीडिया के लोग जाकर सीमांचल की हमारी एक मां से पूछे कि बताओ मां, इस विधानसभा के बिहार के चुनाव में तुम किसको वोट दोगे? तो उस हमारी बहादुर मां ने कहा कि वो जो गोल टोपी सर पर है, जिस चेहरे पे दाढ़ी है, उसको वोट देंगे। तो उस रिपोर्टर ने पूछा, कौन सा, कौन सबके सर पर गोल टोपी है, दाढ़ी है? बोले, वो लंबा सर का जो है ना, जो हैदराबाद से आया, उसको वोट देंगे। उस रिपोर्टर को ताज्जुब हुआ, उसने पूछा, क्यों वोट दोगे मां उसको? तो उसने कहा, उसको सत्ता से लालच नहीं है, वो लड़ने वाला है, उसको सत्ता से मोहब्बत नहीं है, वो लड़ना चाहता है, इसलिए लड़ने वाले को वोट दे। तो हमको सत्ता से मतलब नहीं है, बहुत बन गए संतरी मंत्री, क्या काम के ये मंत्री बताओ, ये तो बंदरों की तरह एक पेड़ से एक पेड़ कूदते रहे, वर्ग के गरीबों की मदद नहीं कर सके। हमको ना संतरी बनना है, ना मंत्री बनना है, हमको नेता बनना है, लीडरशिप को पैदा करना है। हमने कहा कि तुम्हारा सवाल था कि अगर 15-20 जीत
जाएंगे तो क्या होगा? हमने कहा आप देखते ना लोकसभा में हम कितने एमपी हैं, बताओ कितने? तो कहा कि दो है। मिला दो 500 पे भारी है नहीं है, वो खामोश हो गए। बोले जब हमारा भाषण पार्लियामेंट में होता है 5 मिनट का 6 मिनट का होता है तो बीजेपी और सपा तमाम लोग सेंट्रल हॉल से भाग के आते, अरे ये ओवैसी क्या बोलेगा, सुनते हैं भाग के आके सुनते हैं हमको, सब खड़े हम खड़े होते ही शुरू हो जाते ये नारा कभी हो नारा। मगर बीजेपी के 300 सांसद के सामने ये अल्लाह का करम है, सबका है मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, तुम्हारी दुआ है कसरुद्दीन ओवैसी की जबान से जो लफ्ज निकलता है अल्लाह उसमें तासीर देता है, अल्लाह ताकत देता है और 300 के ऐवान को मिला के रख देता है। मेरे अजीज दोस्तों बुजुर्गों, अगर आपकी जमात के उम्मीदवार 15-20 जीत कर जाएंगे तो उत्तर प्रदेश की विधानसभा में रोज आवाज आएगी नानपारा तक, लखनऊ की विधानसभा में जो पुकारेगा तुम्हारा विधायक कि नानपारा में तरक्की होनी चाहिए तो उसकी पुकार, उसकी चीख, उसकी तड़प की आवाज तुमको नानपारा में सुनाई देगी। मैं आपको इस बात का वादा करता हूं इंशाअल्लाह होता है। ये लीडर हमको पैदा करना है, ऐसे नहीं चाहिए नहीं अखिलेश क्या बोलेंगे, बहन जी क्या बोलेगी। हम पार्लियामेंट में कई इनके सांसदों को बोले तुम बोलो ना, बोले नहीं नहीं नहीं, एक को तो हम लिख कर दिए, अच्छा लिख के देते हैं बोल दो। वो देखकर बोला कि यार अब हम जब बोलेंगे तो बोलेंगे तू तो ओवैसी के अल्फाज बयान कर रहा है, बोलते भी नहीं है ना कोई हरकत करते हैं, हमेशा बोलते सेकुलरिज्म सेकुलरिज्म, ये क्या क्या सेकुलरिज्म, कहां का सेकुलरिज्म है? जो भारत के संविधान में सेकुलरिज्म है उसको मानता हूं और जिंदगी भर मानता रहूंगा, मगर जो सियासी सेकुलरिज्म है मैं अपनी जूती पर रखता हूं उसको। जो सियासी सेकुलरिज्म है वो धोखे का है, वो फरेब का सेकुलरिज्म है, उसमें कोई दम नहीं है, कोई दम नहीं है। आप बताइए कानपुर में एक मंसूरी बिरादरी का शख्स अपनी 10 साल की बच्ची के साथ जा रहा है और धर्म के उसने अपना मजहब तब्दीली के बारे में बात की तो उसको पीटा जा रहा है। सोचो थोड़ी देर के लिए नानपारा के गयूर नौजवानों कि तुम बाप हो, तुम्हारी बेटी तुमसे लपेट कर रो रही है कि मेरे अब्बा को मत मारो, मेरे अब्बा को मत मारो, तो पुलिस की मौजूदगी में उस बच्ची के सामने उसके बाप को पीटा गया। बताओ क्या है फिर ये कि मेरी पेट में औलाद नहीं है, कि मुझे तकलीफ नहीं होती नजारों को देखकर, कि मैं इतना बेबस हो चुका हूं कि अपनी बेटी के सामने मुझे जलील और रुस्वा किया जा रहा है। कब उठोगे आप बताओ? ये करवट लेने का वक्त है, याद रखो। मैं यहां पर अपने लिए नहीं आया हूं, मैं आपके लिए आया हूं। क्या आप अपनी क़यादत को बनाओ, अपने विधायक को बनाओ ताकि वो विधानसभा में जाकर लड़े। वो बच्ची जो 10 साल की हमारी बहन की बेटी है क्या सोचती होगी जब बड़ी होगी? क्या सोचती होगी कि दुनिया में कोई नहीं था जो मेरे बाप को बचाने आया, कोई नहीं था उसको बचाने, उसको मारा गया पीटा गया। ये सबका साथ सबका विकास की सरकार। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मैं आपको हिम्मत और हौसला दिलाने के लिए कह रहा हूं, डर पैदा करने के लिए नहीं कह रहा हूं, उम्मीद पैदा करने के लिए कह रहा हूं। उम्मीद को पैदा करो मेरे अजीजों। मेरी इज्जतदार माँ और बहनों, अल्लाह ने तुम्हारे को बेटा दिया है, यकीनन वो तुम्हारा बेटा है मगर वो कौम का भी बेटा है। अल्लाह ने तुमको बेटियां दी है, यकीनन वो तुम्हारी बेटी है, वो हमारी बहन भी है मगर वो हमारा सासा भी है, हमारी इज्जत भी है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। ये हम पर इल्जाम लगते हैं, हमको कोई परवाह नहीं है, हम इल्जामों की परवाह नहीं करते। हमको सिर्फ एक बात जो हमको हमेशा तंग करती है कि जब हम मर जाएंगे तो हमको हमारे अमाल का हिसाब अल्लाह के पास देना पड़ेगा। हमको वही फिक्र रहती है, वही डर रहता है। हम कोई नेक आदमी नहीं है, हम गुनाहगार हैं, हम आपसे कह रहे हैं। ये तो अल्लाह का करम है कि अल्लाह ने हमारे गुनाहों को तुम्हारे आंखों से पोशीदा रखा, मगर हमको ये फिक्र रहती है कि अल्लाह ने हमको इज्जत दी, मुकाम दिया, दौलत दी, बोलने की सलाहियत दी, अल्लाह ने हमको तमाम नेमतों से नवाजा। अगर हम उसका इस्तेमाल नहीं करेंगे मजलूम आवाम
के लिए, चाहे वो मुसलमान हो या ना हो, इंसाफ के लिए इस्तेमाल करेंगे तो मरने के बाद हम तमाम को अल्लाह के पास जमा किया जाएगा। तो मेरी जबान, मेरा हाथ, मेरा दिमाग, मेरी आंखें, मेरा पैर अल्लाह के सामने गवाही दे। हम किसी से नहीं डरते, अगर मौत लिखी है तो मौत होगी इंशाअल्लाह ताला। मगर याद रखो, जब तक अल्लाह हमको जिंदा रखेगा, जब तक अल्लाह हमको जिंदा रखेगा, हम अपनी माँ को मायूस नहीं करेंगे, हम अपनी माँ को कभी शर्मिंदा होने नहीं देंगे। हम हिम्मत और हौसले के साथ, भारत का संविधान हमको इस बात की इजाजत देता है कि सीना तान कर अपने मसले को बयान करें। अंबेडकर का बनाया हुआ, बाबा साहब का बनाया हुआ संविधान हमको कहता है कि अपने हक के लिए लड़ो, और हम अपने हक के लिए लड़ रहे हैं। और लोग ये कहते हैं कि मुसलमानों को मिलकर रहना, रहे मिलकर ही तो रह रहे हैं, कहां गए हम लोग? तुमको ही वोट देती आए थी ना, तुमने हमारे वोट का क्या इस्तेमाल किया? मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मेरी आपसे अपील है कि आने वाले चुनाव में अपने एक एक वोट का सही इस्तेमाल करिए। और योगी आदित्यनाथ बाबा जो है ना, बाबा ख्वाब देख रहे हैं, बाबा जो है ना ख्वाब देख रहे हैं कि मैं अब आइंदा 24 में भारत का प्रधानमंत्री बनने का ख्वाब बाबा देख रहे हैं। बाबा इंशाअल्लाह ताला तुम्हारा ख्वाब चुकना चूर हो जाएगा। आप चुकना चूर करेंगे नहीं करेंगे उनके ख्वाब को? ख्वाब को चुकना चूर करना है, भोग दो नहीं कह रहे। अब बाबा ख्वाब देख रहे, मैं दिल्ली जाऊंगा, प्रधानमंत्री बनूंगा। अब बीजेपी में भी बड़ी परेशानी शुरू हो गई, बीजेपी के लोग पूछ रहे हैं ये क्या कह रहा है। मगर इंशाअल्लाह ताला मुझे यकीन है कि आने वाले विधानसभा के चुनाव में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवारों को आप अपने ओट से, अपनी दुआओं से, अपनी मोहब्बतों से कामयाब करेंगे। मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि बावजूद इसके कि आपको इस मुकाम पर आने के लिए बीजेपी की तरफ से, सपा की तरफ से रुकावटें डाली गईं, मगर याद रखो, जो लोग रुकावटें डाल रहे हैं, तुमको मैं एक वाकया सुनाकर अपनी बात को खत्म कर दूंगा। अभी हमारे मौलाना ने कहा कि रुकावटें डाली गई, मगर याद रखो, नानपारा की जनता, नानपारा की मेरी इज्जतदार माँ और बहनों, नानपारा के मेरे गयूर नौजवानों, रास्ता नहीं बदलना कभी भी। रास्ते में रुकावटें आएंगी, मगर रास्ता नहीं बदलना। क्यों नहीं बदलना? क्योंकि मक्के की सरजमीन पर एक खातून रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर रोज कचरा फेंकती थी ना। सुना तूने कि रोज कचरा फेंकती थी? मक्के में बहुत से रास्ते थे, मगर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना रास्ता तब्दील नहीं किया, वही रास्ते से जाते थे। एक दिन ऐसा आया कि वो तंग हो गई, और जब वो बीमार पड़ी तो रहमतुल्लाह अलैमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जाकर उसकी तीमारदारी की, तो उसने रहमतुल्लाह अलैमीन की रहमत को देखा, महसूस किया, तो उसने कहा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह। मगर रास्ता नहीं बदलना, रुकावटें आएंगी, मगर रास्ता नहीं बदलना। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, और आप जानते हैं कि योगी सरकार ने उत्तर प्रदेश के एक सीनियर आईएएस ऑफिसर जिनका नाम इफ्तिखार साहब है, योगी सरकार ने 6 साल पुराना उनका एक वीडियो निकाला जिसमें वो बैठे हैं, कुरान की तिलावत हो रही है, और 8-10 लोगों से कहा जा रहा है कि इस्लाम की दावत दो, इस्लाम की तबलीग करो, इस्लाम की तरफ लोगों को रागिब करो। उसमें ना किसी को पैसे देने की बात कि तुम पैसे ले लो, दीन कबूल करो, ना उसमें किसी को डराया गया। मगर योगी सरकार 6 साल पुराने वीडियो को निकालकर एक सीनियर, एक बहुत ही सीनियर आईएएस ऑफिसर को परेशान कर रही है। हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह सुबहानहू तआला इफ्तिखार साहब की मदद करे, और अल्लाह जरूर करेगा इंशाअल्लाह, और दीन की दावत हम देते रहेंगे। संविधान हमको इस बात की इजाजत देता है, अगर कोई दीन कबूल कर
चाहे कोई भी दीन, अगर पैसों का लालच दिया गया तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले गलत है। मगर आप ये कह रहे हैं कि इफ्तिखार साहब ने ये किया, अच्छा इफ्तिखार साहब पर हुआ तो क्या किसी ने आवाज उठाई? क्या सपा के लोगों ने कहा कुछ? क्या बीएसपी के लोगों ने कहा? मौलाना कलीम को जानते हैं ना? मौलाना कलीम सिद्दीकी को जानते हैं? उनके बारे में किसी ने कुछ कहा? क्यों नहीं कहते? इसलिए नहीं कहते कि अगर इफ्तिखार और कलीम के बारे में कहेंगे तो दूसरे नाराज हो जाएंगे। दूसरों की नाराजगी मोल लेना नहीं चाहते और हमारी तकलीफ और नाइंसाफी के खिलाफ आवाज नहीं उठाना चाहते। मेरे अजीज दोस्तों बुजुर्गों, इसीलिए मैंने कहा यह सियासी सेकुलरिज्म को मैं जूती पर रखता हूं। जो संविधान का सेकुलरिज्म है उसको सलाम करता था और सलाम करता रहूंगा। मुत्तहिद रहिए, इत्तेहाद पैदा करिए और नानपारा के हर पोलिंग बूथ पर अपनी ऑर्गेनाइजेशन को मजबूत करिए। हर पोलिंग बूथ पर अपनी ऑर्गेनाइजेशन बनाइए, मजलिस के मेंबर बनिए ताकि जब चुनाव आएगा तो उम्मीदवार आप तमाम होंगे इंशाअल्लाह ताला। आप तमाम इंशाअल्लाह ताला मजलिस को कामयाब करेंगे। मेरा आपका फिर से आपको शुक्रिया अदा करता हूं।